सिंगरौली के गोरबी में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान कार्यक्रम में पहुंची सीधी संगरौली की लोकसभा सांसद रीति पाठक एवं चितरंगी विधानसभा के विधायक अमर सिंह को बीच कार्यक्रम से जाना पड़ गया। सांसद और विधायक के प्रति जनता में विरोध दिखा। जनता ने सांसद के काफिले को भी रोक दिया। लोगों ने वहां गाली गलौज भी की। इस वजह से 5 लोगों पर FIR भी दर्ज कर ली गई है। शुक्रवार दोपहर मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान कार्यक्रम के तहत सीधी सिंगरौली लोकसभा सांसद रीति पाठक एवं चितरंगी विधानसभा के विधायक अमर सिंह गोरबी हनुमान मंदिर ग्राउंड में पहुंचे थे। यहां कार्यक्रम को संबोधित कर मध्य प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने सांसद से विकास कार्यों पर सवाल पूछ लिया और अपनी समस्याएं रखी, जिसके बाद सांसद और विधायक वहां से जाने लगे। लेकिन तभी महिलाएं काफिले के सामने जाकर खड़ी हो गई। यहाँ कुछ लोग गाली गलौज भी करने लगे। सांसद पाठक और विधायक का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। पुलिस ने किसी तरह से भीड़ को हटाकर काफिले को आगे बढ़ाया। चौकी इंचार्ज सुधाकर परिहार ने बताया कि सार्वजनिक स्थल पर गाली गलौज करने के मामले में 5 लोगों पर 294-34 धारा के तहत FIR दर्ज की गई है। इनमें शीतला अग्रहरी, दिनेश लाल गुप्ता, राम टहल साहू, राम लाल साह और अतुल शुक्ला शामिल है। गोरबी नौढ़िया पंचायत में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची थी, जहां पर गोरबी की आम जनमानस जनता और वहां के युवाओं द्वारा जब सांसद महोदया से प्रश्न किया गया कि सांसद महोदया रोड कब बनेगी और उनके रोजगार से संबंधित, वहां के विस्थापन से संबंधित कई सवाल जब सांसद महोदया से किए गए, सांसद महोदया द्वारा काफ़ी नाराजगी व्यक्त की गई और इस प्रश्न पर सांसद जी इतना नाराज हुई कि प्रशासन पर उनका दबाव बना और प्रशासन हरकत में है उन युवाओं के ऊपर यह पूछने पर कि सांसद जी रोड कब बनेगी, मुकदमे कायम किए जा रहे हैं।